हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय गन का। तो एक्चुअल में अनबॉक्सिंग तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको जो है मुझे सेल करना है, बट आपको जो है ओवरव्यू इसका पता चल जाएगा कि ये क्या गन है और कैसे काम करता है। तो एक्चुअल में ये ऑटोमेटिक गन नहीं है, ज़्यादातर टॉय गन जो होती है ऑटोमेटिक नहीं होती है क्योंकि ऑटोमेटिक गन जो है काफ़ी महंगी पड़ती है। तो वही रीज़न से जो है आपको इसको जो है मतलब फायर करने के लिए कुछ ना कुछ तो खींचना पड़ता है, जैसे कि इसके अंदर ये पीछे का पार्ट है उसको खींच के आप जो है इसको लोड कर सकते हैं। उसके बाद ये गोली है या तो फिर ये वाली गोली है उसको आगे आपको डालना रहता है यहाँ पे, और फिर जो है आप यहाँ से फायर कर सकते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कि ये जो है ओर्बिस बॉल जो कि पानी में डाल के जो है मोटे करके रखे हैं। ओके, तो इसके अंदर मिक्स कलर्स आते हैं, इस तरीके से कलर्स आते हैं। फिर यहाँ पे इस तरीके की थर्मोकोल की गोलियाँ हैं, प्लास्टिक की गोलियाँ हैं, उससे भी आप जो है शूट कर सकते हैं। तो इसकी एक्चुअल में प्राइस जो है वेरी करती है। पहले ये लोकल मार्केट में 50 रुपये में मिलता था, उसके बाद जो है 60 रुपीज़, अब 70 रुपीज़, काफ़ी जो है प्राइस बढ़ चुके हैं। बेसिकली ये एक्चुअल में चाइना बेस्ड प्रोडक्ट है और लोग जो है अभी इसकी शॉर्टेज होने के कारण जो है प्राइस जो है बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो ये एक जो है यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है ना। तो बाकी जो है प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, और आप अपने बच्चों को जो है उनके बर्थडे पे या तो फिर कोई उसने अच्छा काम किया हो उस टाइम पे भी आप उसको खेलने के लिए देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एक टिप मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा कि इस अगर आप कोई भी गन जो है जिसके अंदर ओर्बिस बॉल जो है आते हैं, जेली बॉल भी इसको बोलते हैं, तो फिर आप जो है बच्चों को वो अंदर उससे ना खेलने दें, नहीं तो क्या होगा कि दीवार जो है उसमें पानी के जो है धब्बे पड़ जाएंगे और आपका घर भी खराब हो जाएगा। तो उनको ऐसा बोले कि भाई वो आप मतलब ये गन से जब खेलना हो तो बाहर जाके खेलें और किसी को आंख में ना मारे। ये एक मैं आपको मतलब टिप्स दूंगा, सजेशन दूंगा कि बच्चों को यही सिखाए कि गोली जो है किसी की आंख में ना मारे। ऐसे ही जो है खेले कहीं किसी चीज़ जो है उसको निशान लगा के निशाना लगाना सीखे, किसी के ऊपर पशु पक्षी चिड़िया जो है उसके ऊपर भी फायरिंग ना करें, मतलब जो जीव है उसके ऊपर फायरिंग ना करें। कोई दीवार है बाहर की दीवार, वहाँ पे वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उस तरीके से इसका यूज़ किया जाए। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको एक बार देख सकते हैं, चाहे तो खरीद भी सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे ये वीडियो से हम एक नया इनिशिएटिव जो है स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई अगर आपको इसकी होलसेल प्राइस जो है जाननी है तो आपको जो है थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट करना पड़ेगा कि ये वीडियो जो है उसके 500 लाइक्स या तो फिर 100 कमेंट्स आते हैं तो फिर इसका जो है मैं प्राइस जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर रिवील कर दूंगा। और अगर हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो सभी प्रोडक्ट्स ये चैनल पे है उसके सभी के मैं होलसेल प्राइस जो है वो रिवील कर दूंगा। और दूसरी चीज़ के अगर आप या तो आपके वाइफ या तो फैमिली में कोई भी जो है टॉय शॉप या तो फिर क्या बोलते हैं गिफ्ट शॉप या तो फिर स्टेशनरी शॉप जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, तो घर से ही जो है लोकल मार्केट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं कंप्लीट गाइडेंस लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से इसका सोर्सिंग करना है, मतलब कहाँ से खरीदना है, कौन से प्रोडक्ट खरीदने होते हैं, कौन से कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं, क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है, उसके अलावा किस पे कितना मार्जिन मिलता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ से जो है स्टॉकिस्ट होलसेलर या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ऑनलाइन मार्केट में कैसे सेल करना है, लोकल मार्केट में कैसे सेल करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सभी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।